पूरा मंदिर है यहाँ पे, दो तीन बहुत सारे छोटे छोटे, और मेन मंदिर ही है काशी विश्वनाथ मंदिर। और फ्रेंड्स, ये भारत में एक ही एक रिवर है जिसकी परिक्रमा करते हैं, नर्मदा। फ्रेंड्स, यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम है ना, उसका मतलब पूरा घाट बना हुआ है नर्मदा के ऊपर। इस साइड आपने आपके सामने दिख रहा हुआ थोड़ा सा मंदिर, वो पोईचा का है यहाँ पे आगे, और इधर है कुबेरेश्वर धाम मंदिर। और जो त्रिवेणी संगम है, एक नदी यहाँ से आ रही है और एक नदी इधर से आ रही है। और सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो अभी मैं जा रहा हूँ चंदोद, और वहाँ पे मतलब जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं, वो नर्मदा परिक्रमा के अंदर आते हैं। नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ मंदिर है और काफ़ी बड़ा है, और वहाँ पे मतलब जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं वहाँ पे वो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और बहुत सारे साधु महात्मा सब रहते हैं वहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ और आपको भी दर्शन कराऊंगा, और वहाँ पे एक और मंदिर है कुबेरेश्वर महादेव मंदिर, तो वहाँ पे भी आपको लेके जाऊंगा। तो लेट्स गो, और वीडियो पूरा एंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं वो राजपला वडोदरा रोड पर, और घर से लगभग 70 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं। यहाँ से पोईचा रह गया है सिर्फ 10 किलोमीटर, और हमको जाना है पोईचा से, पोईचा ये साइड रह जाएगा और हमको उस पार जाना है नर्मदा के। नर्मदा के इस पार पोईचा है, जो नीलकंठ धाम है उस पार है जो मैं जा रहा हूँ वो मंदिर। अरे कहना क्या चाहते हो? वो लगभग 20-22 किलोमीटर और है। और फ्रेंड, सामने ही है पोईचा का, जो पोईचा नीलकंठेश्वर धाम का जो मेन गेट है वो, और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है वडोदरा 60 किलोमीटर, डभोई 24 किलोमीटर, और पोईचा आगे है 1 किलोमीटर। और हम डभोई की तरफ जाएंगे यहाँ से। क्या बात कर रहे हैं? लगभग अभी 10 किलोमीटर और आगे, और यहाँ पे नर्मदा नदी बीच में आती है। इस साइड नीलकंठेश्वर धाम है, और उसके उस पार है जो मैं जा रहा हूँ वो मंदिर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आप देख सकते हो कितना जबरदस्त, कितना बड़ा एकदम गेट बना हुआ है, और यहाँ पे लिखा भी गया है कि स्वागत श्री नीलकंठेश्वर पोईचा। और यहाँ पे खाने पीने की सब एकदम रेस्टोरेंट सब बना हुआ है, और अगर हमको टाइम मिला तो एक बार वहाँ पे जाएंगे। और ऑलरेडी मेरे यहाँ पे 2-3 व्लॉग बने हुए हैं पोईचा में, और काफ़ी ज़बरदस्त। आप देखोगे यहाँ पे सहजानंद यूनिवर्स है, और बहुत बड़ा स्टेचू है विष्णु भगवान का वहाँ पे ऊपर बना हुआ है वहाँ पे। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप वो वाला व्लॉग ज़रूर देखेगा। और अगर हम रिटर्न आएंगे तब, अगर टाइम मिला तो हम नीलकंठेश्वर धाम एक बार ज़रूर जाएंगे। और अभी हम आ गए वापस, और वो पीछे रह गया है, और रोड अभी खाली है। थोड़ी आगे अभी नर्मदा रिवर आएगी, काफ़ी बड़ा एकदम ब्रिज है उसका। और फ्रेंड्स, यहाँ से सिंगल रोड हो गया है, क्योंकि आगे नर्मदा रिवर है, उस पर सिर्फ एक ही ब्रिज है। तो और यहाँ से सिंगल रोड हो गया है, इसलिए ट्रैफिक भी थोड़ा बढ़ गया है। ओके, तो हम लोग आराम आराम से चलेंगे। थोड़ा ये, उसके बाद फिर डबल हाईवे आ जाएगा। बहुत बढ़िया रोड है। अच्छा, और आप देख सकते हो पूरा एकदम जंगल ही जंगल है।
और रोड भी एक सिंगल आ गया है, और आगे आ गया है नर्मदा सेतु, श्री रंग सेतु नाम है इसका, नर्मदा सेतु नहीं है, श्री रंग सेतु। क्या क्या बात कर रहे हैं? ये देखो, और काफी बड़ी रिवर आप देख सकते हो, जय जय नमामि नर्मदे। और फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में जय माँ नर्मदा लिखना ना भूले। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को भी लाइक कर दो, और कमेंट में जय माँ नर्मदे लिखना ना भूले। थोड़ा ही बस रोड ख़राब है, बाकी ये ब्रिज बन जाएगा उसके बाद सही हो जाएगा। चलो, शायद तक यहीं से हमको मुड़ना है, यहाँ पे लिखा होगा ना, एक बार अपन गूगल मैप में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहीं से हमको जाना है, यहीं से रास्ता दिखा रहा उसका, और रास्ता तो भाई एक नंबर लग रहा है। देखते हैं आगे कैसा है, पूरा ढलान है आप देख सकते हो एकदम। और यहाँ पे बहुत सारे आश्रम भी बने हुए हैं, बहुत सारे धर्मशाला बने हुए हैं, क्योंकि जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं वो लोग यहाँ पे ठहरते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे आश्रम बना हुआ है इतना बड़ा, यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा वाले लोग रुकते हैं, बहुत बड़ा बना हुआ, बहुत बड़ा। और फ्रेंड्स, ये भारत में एक ही एक रिवर है जिसकी परिक्रमा करते हैं, नर्मदा परिक्रमा, बाकी कोई भी रिवर की नहीं होती है परिक्रमा। बात तो सही है। और जो ये नर्मदा परिक्रमा करता है उसके सारी मनोकामनाएं पूरी होती है ऐसा मानते हैं। बहुत सारे लोग पहले पैदल करते हैं, बहुत सारे लोग गाड़ियों से करते हैं। और इन फ्यूचर अगर हमारा चैनल अच्छा चल गया और आपसे अच्छा सपोर्ट मिला तो हम भी एक बार बाइक से नर्मदा परिक्रमा जरूर करेंगे। ज़बरदस्त, शिव जी के जितने भी मंदिर हैं ना, एकदम बहुत ज़बरदस्त जगह जब बना हुआ, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे कि सोमनाथ का मंदिर है वो समुद्र के किनारे पे बना हुआ है, और 12 ज्योतिर्लिंग में सिर्फ 2 ज्योतिर्लिंग है जो मतलब नॉर्मल जगह, बाकी सारे पहाड़ों में इसमें बने हुए हैं, जैसे कि केदारनाथ है, उसके बाद मल्लिकार्जुन है, उसके बाद भीमाशंकर है, सबके सब पहाड़ों में बने हुए। और आगे से गाड़ी आ गई है, हम थोड़ा रोड बहुत छोटी है ना, इसकी वजह से मतलब अगर आगे से गाड़ी आ गई तो उसको साइड देकर जाना पड़ेगा, या तो वो साइड हमें देंगे या फिर हम उसे देंगे। और आप देख सकते हो कितना एकदम रोड तो एक नंबर बना हुआ है भैया, बहुत सारी गाड़ियाँ वहीं से दर्शन करके आ रही है साइड तक, ऐसा लग रहा है मेरे को। फ्रेंड्स, यहाँ पे त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम है ना, उसका मतलब पूरा घाट बना हुआ है नर्मदा के ऊपर, और त्रिवेणी संगम है, वहाँ पे लोग स्नान करते हैं और अस्थियाँ भी विसर्जन करने बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे तीन कौन कौन सी रिवर का संगम है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि एक तो ये नर्मदा है और एक उधर से एक और रिवर आती है, उस रिवर के उस पार कबीरेश्वर महादेव का मंदिर है, वो इधर से बड़ा मंदिर है, वो उसको बड़ा मंदिर के नाम से जानते हैं, कबीरेश्वर महादेव मंदिर, तो वहाँ पे भी हम जाएंगे, पहले इधर वाले मंदिर पे दर्शन करेंगे, उसके बाद तो आगे जाएंगे। और वो मंदिर काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे साधु महात्मा भी बहुत सारे होते हैं जो हवन हवन करते हैं, बस वहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आपको दिखाऊँगा मैं सब। और फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है कि माँ रेवा भक्ति संगठन चंदोद, चंदोद नाम है गाँव का, परिक्रमा मार्ग त्रिवेणी संगम चंदोद। देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी बसेस खड़ी है, जो टूरिंग बस आती है, और यहाँ पे वो पूरा पार्किंग बना हुआ है इसका। हम तो आगे तक जाएंगे बाइक लेके, सब के सब टूरिंग ट्रेवल करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत भीड़ होगी मेरे को लगता है, क्योंकि काफ़ी एकदम देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे पार्किंग में, आगे तो मेरे को लगता है पार्किंग एकदम फुल होगी। एक मिनट, आगे इधर।
और फ्रेंड्स हम थोड़ा अलग रास्ते से आ गए थे, ये सिर्फ पार्किंग वार्किंग बना हुआ है, बाकी पीछे ये पूरा। और आप देख सकते हो कैरावेन कितनी ज़बरदस्त खड़ी है वाली, तो बहुत सारे श्रद्धालु होंगे, बहुत एकदम भीड़ होगी वहाँ पे। और हमको जाना है ये वाले रास्ते से, छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पर मंदिर की। क्या बात है, छोटी छोटी गलियों में एकदम। और फ्रेंड्स फाइनली हम आ गए हैं मंदिर के पास, बाइक कहाँ लगाएंगे इधर अपन। सो फ्रेंड्स हम आ गए हैं चंदोद, और यहाँ पे बहुत सारे मतलब श्रद्धालु लोग हैं। और अभी मैं पहले मेन मंदिर है वहाँ पे जाता हूँ, फिर उसके बाद आपको नर्मदा घाट पे लेके जाऊँगा। और काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी मतलब बहुत सारे श्रद्धालु हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ पहले मेन मंदिर में दर्शन करने। और ये पूरा चंदोद गांव है पूरा, छोटा सा रास्ता पड़ा हुआ है। और ये है मंदिर, यहाँ पे जो मतलब अस्थि विसर्जन करने आते हैं, और अपने जो मतलब पूर्वज है उनका मतलब यहाँ पे श्राद्ध करने के लिए आते हैं, बहुत सारे आप देख सकते हो। और पूरा मंदिर है यहाँ पे दो तीन, बहुत सारे छोटे छोटे, और मेन मंदिर ही है काशी विश्वनाथ मंदिर। अभी हम चलते हैं घाट की तरफ, जो नर्मदा रिवर घाट है वहाँ पर, और वहाँ से भी आपको दिखाते हैं ऊपर। सो फ्रेंड्स ये मंदिर यहाँ पर मतलब जो श्राद्ध व्राद करते हैं, पूजा वूजा करते हैं अपने बुजुर्गों के नाम की, वो सब यहाँ पर चल रही है। अभी हम ये मंदिर में दर्शन कर लिए, और अभी जा रहे हैं नर्मदा घाट, जहाँ पे मतलब सब स्नान स्नान करते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे भी आपको पूरा दिखाएंगे। और ये पूरा मार्केट है आप देख सकते हो, सो फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ नर्मदा घाट पर, जो यहाँ पे मतलब काफ़ी मतलब श्रद्धालु हैं बहुत सारे, और नदी के उस पार भी बहुत सारे मतलब पार्किंग, पूरा पार्किंग फुल है और बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा घाट है, और काफ़ी बहुत सारे मतलब श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और उधर आगे एकदम दूर भी जो कुबेरेश्वर महादेव मंदिर है, वो यहाँ से सामने उधर आगे है, वहाँ पे भी बहुत सारे श्रद्धालु दिख रहे हैं। और आप देख सकते हो कितने हैं यहाँ लोग। और फ्रेंड सामने एकदम आगे वो वहाँ पे कुबेरेश्वर महादेव मंदिर दिख रहा है वो भी, और इधर सामने पोईचा आप देख सकते हो, इस साइड आपने आप सामने दिख रहा होगा थोड़ा सा मंदिर, वो पोईचा का है यहाँ पे आगे, और इधर है कुबेरेश्वर धाम मंदिर। और जो त्रिवेणी संगम है, एक नदी यहाँ से आ रही है और एक नदी इधर से आ रही है, और उसका पूरा त्रिवेणी संगम बोलते हैं। तो ये पूरा नर्मदा घाट आप, और अभी हम वो सामने उधर ब्रिज है वहाँ से आए हैं इधर, और पूरा आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा बड़ा एकदम घाट बना हुआ आप देखो। और अभी हम वो साइड पे ही जाएंगे वहाँ पे, और बहुत सारे श्रद्धालु एकदम वहाँ पे, पूरा यहाँ पर गाड़ियों को पार्किंग तो पूरा फुल हुआ भरा हुआ है, और काफ़ी ज़बरदस्त है आप देख सकते हो कितना, और बहुत बड़ा घाट है, काफ़ी स्टेप है यहाँ पर चढ़ने के लिए। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो पूरा एकदम घाट भरा हुआ है, बहुत सारे श्रद्धालु से सब स्नान कर रहे हैं, और आप देख सकते हो पूरा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे पूजा चल रही है। नेक्स्ट टाइम अपने दोस्तों को भी लेके आऊँगा, तब यहाँ पे पूरा जब नहाएंगे एकदम मस्त। अभी मैं अकेला हूँ तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है स्नान करने का, बस मुँह हाथ धो लिया और माँ नर्मदा को नमस्कार कर लिया है।
और काफ़ी सीढ़ियाँ हैं एकदम ऊपर तक, मैं आज तक आ चुका हूँ और दूर दूर तक पूरा बहुत सारे श्रद्धालु एकदम आगे तक। अभी हम कुबेरेश्वर धाम, कुबेरेश्वर महादेव मंदिर है वहाँ पे चलते हैं और उसके भी दर्शन करवाते हैं। सांस फूल रही है एकदम, इतनी सारी स्टेप चढ़ के आया तो।